सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। हिंदी साहित्य सम्मेलन आरजे सकारात्मक भारत उदय यात्रा जो है पटना पहुंची है और यहां पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रवेश कर रही है। और आइए यहां पर हम लोग बातचीत करते हैं। यहां पर 13 सितंबर को आरजेएस का राष्ट्रीय कार्यक्रम किया गया था। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। इस वक्त बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कदम कुआं पटना में है, एक ऐतिहासिक स्थल है और प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा स्थापित ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग हैं। नमन करते हैं राजेंद्र बाबू की सकारात्मक सोच को और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के अंतर्गत हम लोग बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की पृष्ठभूमि को जानना चाहेंगे। ये अलग बात है कि हमारे टूरिस्ट स्पॉट में इस तरह के जो साहित्य अभिरुचि और साहित्य प्रेमियों के स्थल को टूरिस्ट स्पॉट में क्यों ना शामिल किया जाए, इसकी कोशिश जो है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस वाणी की तरफ से होने जा रही है। हिंदी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी आरजेएस फैमिली में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों ने वेबिनार में या राष्ट्रीय कार्यक्रम जय हिंद जय भारत जो इसी सभागार में हुआ था, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में 13 सितंबर को, बहुत बहुत स्वागत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। आप जानते हैं कि जो साहित्यकार होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो जो कुछ भी लिखते हैं समाज के दर्पण होते हैं, समाज तक उन चीज़ों को पहुंचाया जाता है। सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के अंतर्गत भी इस तरह के जो इतने, मैं चाहूँगा कि दिलीप जी आप दिखाएं कि इतने महापुरुषों के बीच में अगर ये सभागार है तो समझिए कितने सकारात्मक ऊर्जा से लबालब है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर अनिल सुलभ जी से। पहले आपके इस सकारात्मक आंदोलन को बहुत ही सकारात्मकता के साथ स्वीकार करते हुए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यह जिससे पावन भूमि पर आप अभी विराजित हैं, यह स्थल देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा सहयोग से स्थापित हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक स्तर पर उन्नयन देने वाला यह देश के मूर्धन्य संस्थाओं में से एक है। और पिछले 105 वर्ष में इसका गौरवशाली 105 वर्ष पूरा हो चुका है। इस सम्मेलन भवन को, इस पूरे परिसर को भारतवर्ष के साहित्यकारों ने एक तीर्थ स्थल के रूप में माना और स्वीकार किया है। भारत के कोने कोने से आने वाले साहित्यकार इसे वाणी की, वाग्देवी का मंदिर मानते हुए यहाँ इस स्थल पर अपना मत्था टेकते हुए गुरुद्वारा की भांति कृतार्थ होते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस रूप में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन निश्चित रूप से साहित्यकारों के लिए तो पर्यटक स्थल, तीर्थ स्थल है ही, आम प्रबुद्ध जनों के लिए भी, आम जिज्ञासुओं और जागरूक व्यक्तियों के लिए भी, शोध के विद्यार्थियों के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़े मंदिर जैसे, तीर्थ जैसे प्रांगण के रूप में है। और इस रूप में यह स्वीकार भी है, आपके माध्यम से लोग और जानेंगे तो इसका लाभ उठा सकेंगे। तो जो गतिविधियां हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ साल भर तक कार्यक्रम जो आपने जिस निरंतरता से चलाया है, तो उसमें आपकी क्या कोशिश होती है मुख्य कि वो चीज़ें जनमानस तक पहुँचे और ख़ास करके जो साहित्य प्रेमी होते हैं उन तक वो चीज़ें पहुँचें? देखिए, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि हिंदी भाषा, साहित्य, भारतीय, अन्य भारतीय भाषा और भाषाएं और साहित्य के उन्नयन में यह योगदान दे
साहित्यकारों को प्रश्रय दे, प्रोत्साहन दे, मान सम्मान दे, उचित अवसर दे, मंच प्रदान करे और साहित्यिक विविध ग्रंथों का प्रकाशन भी करे। तो इस दिशा में यह सम्मेलन निरंतर क्रियाशील है और पिछले कुछ वर्षों में इसने कार्यक्रमों का एक प्रकार से कीर्तिमान स्थापित किया है। किसी एक संस्था द्वारा निरंतर आयोजनों का आयोजन किया जाना, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में क्या दुनिया में कोई दूसरी ऐसी संस्था नहीं है जहाँ निरंतर नियमित रूप से इतने कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते हों और इसे देश भर के लोग स्वीकार भी करते हैं कि इस समय भारतवर्ष में सबसे गतिमान, सबसे गतिशील संस्था बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है। और इसका आयोजन करना मात्र लक्ष्य नहीं है, इन आयोजनों के माध्यम से हम नवोदितों को जोड़ते हैं अपने साथ, मंच और अवसर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में कम से कम 2000 से अधिक ऐसे युवा या सामान्य लोग भी कह सकते हैं जिन्होंने पहली बार बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच से कुछ पढ़ा या सुनाया, आज वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हैं। तो ये उपलब्धि है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की। और इस प्रकार हम अपने प्रातः स्मरणीय बुजुर्गों का, अपने मनीषी विद्वानों का स्मरण करते हैं जिनके स्मरण से मन पवित्र होता है, हृदय पावन होता है और कुछ समाज में करने की प्रेरणा देती। तो यह एक काम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने बहुत ही दृढ़ता से किया है और भूले बिसरे जो हमारे साहित्यकार हैं उनको सामने लाया है, लोगों के सामने में किया है या लोगों की स्मृति को ताज़ा किया है। नई पीढ़ी इससे अवगत हो, अपने पूर्वजों को जाने, ये चेष्टा होती रही है। मैं समझता हूँ कि आपके सकारात्मक आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम साहित्य सम्मेलन की ओर से भी हो रहा है जी। तो जैसे आप प्रोत्साहन नवोदितों को देते हैं तो क्या फंड की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है? खास करके आप देखते हैं कई संस्थाएं जो हैं, खास करके NBT वगैरह नवोदितों को की पुस्तकों को प्रकाशित करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव में भी उस तरह की बड़ी अच्छी योजना जो आई थी उसका लाभ भी नवोदित लेखकों ने उठाया। तो आप प्रकाशन की में भी दखल रखते हैं? हाँ, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का अपना प्रकाशन विभाग है, कई प्रकाशन हुए हैं, अभी आपको सामने में दिखाता हूँ, संजोग बस यहाँ उपलब्ध है। यह एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है जो बिहार में पिछले 100 वर्षों में जो हिंदी की प्रगति हुई है वो इस ग्रंथ से स्पष्ट हो जाता है, विदित हो जाता है। और इसमें बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष से लेकर के अभी तक के अध्यक्ष के इसमें अध्यक्षीय उद्बोधन है, महाधिवेशन में दिए गए, जिससे पूरे बिहार के साहित्यिक प्रगति पर पूर्ण प्रकाश पड़ जाता है। इसीलिए इसका नाम बिहार की साहित्यिक प्रगति रखा गया, साहित्यिक प्रगति रखा गया हुआ है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि 1008 पृष्ठों का की यह पुस्तिका या ग्रंथ, ये डिजिटल फॉर्म में इसको हम लोग डाल रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे जितने प्रकाशन हुए हैं उनको अमेजन पर भी कर रहे हैं और डिजिटल भी कर रहे हैं। तो अनेक कई प्रकाशन हुए हैं जो लाभकारी हैं आम पाठकों के लिए और शोधार्थियों के लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान भी आपके कुछ अभियान चले या चल रहे हैं कुछ? बिल्कुल, पिछला हमारा जो महाधिवेशन था वो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व को ही निवेदित था और अभी से कुछ ही दिनों बाद 6-7 मई को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन हो रहा है, जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुण्य स्मृति दिवस की 60 पूर्ति को समर्पित। तो और इस महाधिवेशन में जो 4 वैचारिक सत्र होंगे उनमें से एक सत्र राजेंद्र बाबू को समर्पित है और अन्य जो 3 सत्र है वे सब भी बहुत ही मूल्यवान हैं। एक में हमने
हिंदी साहित्य में कृषक विमर्श करके एक नया विमर्श आरंभ कर रहे हैं, और एक जो इस बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के का प्राण तत्व है, प्राणेच्छा कहना चाहिए, जो है यह हिंदी देश की राष्ट्रभाषा घोषित की जाए, देश की राष्ट्रभाषा हो, इसलिए एक मौलिक रूप से एक विषय यह भी रखा गया है, एक राष्ट्र एक राष्ट्रभाषा एक राष्ट्रलिपि। इस पर हम लोग विमर्श करेंगे कि देश की एक राष्ट्रभाषा अवश्य होनी चाहिए। जब हम एक राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि अन्य भाषाएं गौण हो गई या अन्य भाषाएं लोप हो जाएंगी। भारत की सभी भाषाओं को वह उचित मूल्य सम्मान मिलता रहेगा, उन सब की उन्नति और प्रगति देश के लोग सुनिश्चित करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन देश की एक राष्ट्रभाषा अवश्य होनी चाहिए, जिस तरह से एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीय चिन्ह है। अवश्य अवश्य, पूरे देश को जोड़ने के लिए आज देश में कहीं कहीं जो बिखराव देखते हैं उसका मैं अपनी दृष्टि से एकमात्र कारण मानता हूँ, और वह कारण है देश की एक राष्ट्रभाषा का नहीं होना। ये हिंदी है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है, संगठित मजबूत और शक्तिशाली बना सकती है। ये हिंदी की अपनी विशेषता है जिसका मूल्य अभी तक सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दुर्भाग्य की भारत के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो भारत के लोग अगर इस बात को समझ लिए होते, अगर हिंदी देश की राष्ट्रभाषा हुई होती, तो आज संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी भाषा होती। बहुत बड़ी बात आपने कही। और आर्य सकारात्मक भारत उदय यात्रा के दरमियान जब हम लोग गुजरात गए थे अंबा देवी जी के मंदिर, वहाँ पर भी गुजरात के दरमियान में हम लोगों ने देखा कि गुजराती का प्रभाव तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में पजिटिव मीडिया जो है वो ये अपील करती है कि हिंदी भाषा को भी साथ में रखा जाए, क्योंकि भारत के लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, तो हिंदी ही है एक ऐसी भाषा जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ सकती है। और जब हम लोग पटियाला गए, पटियाला में पंजाबी भाषा तो रहनी चाहिए, लेकिन साथ में उसके साथ अंग्रेज़ी रहती है। गुजरात में भी देखा हमने अंग्रेज़ी और गुजराती, पंजाब में गए पंजाबी और गुजराती, पंजाबी और अंग्रेज़ी, तो क्यों ना एक हिंदी को भी उसमें शामिल किया जाए, हिंदी को भी वो सम्मान दिया जाए, जैसा कि हिंदी को ही शामिल किया जाए, क्योंकि वो पंजाबी अंग्रेजी से मुक्त करिए देश को, तो सही अर्थों में हिंदी में सही अर्थों में देश स्वतंत्र होगा, उसका विकल्प हिंदी अंग्रेजी का विकल्प जो है वो हिंदी के रूप में स्थापित किया जाए, और अंत में उन सभी स्थानीय सारी भाषाएं रहें, विकल्प जो अंग्रेजी है उनके लिए आज भी बनी हुई वह हिंदी होनी चाहिए जी। और अंत में 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस होती है, पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। डॉक्टर अनिल सुलभ जी से उन पत्रकारों के लिए शुभकामनाएं चाहेंगे जो लोग सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत के लिए एक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, देखिए ये तो एक बड़ी बात है कि 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस मनाया जाता है, और हम सभी मानते हैं कि ये पत्रकारिता ही है जो क्षरण हो रहे समाज को साहित्य के बाद वो मूल्य देने वाली संस्था है पत्रकारिता, और पत्रकारों को संरक्षण पोषण मिलना चाहिए, यह अंतर्राष्ट्रीय मांग रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती रही है कि पत्रकारिता को स्वतंत्र किया जाना, स्वतंत्र बनाए रखना यह बहुत ही आवश्यक है, अगर हम राष्ट्रों में लोकतंत्र देखना चाहते हैं और किसी भी समाज को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनका उज्ज्वल भविष्य देखना चाहते हैं। तो मैं संसार भर के सभी पत्रकारों को इस दिवस पर बहुत ही हार्दिकता से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबके माध्यम आपके माध्यम से उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूं, और आशा करता हूं कि उनकी लेखनी कभी भी किन्हीं भी कारणों से पराजित नहीं होगी, और वो नेपाली के शब्दों में कि मेरा धन है स्वाधीन कलम, कलम की स्वाधीनता की रक्षा करते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। और डॉक्टर अनिल सुलभ जी का भी RGS पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने देखा कि इस तरह से जो लोग सकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं उसको समर्थन करने के लिए डॉक्टर अनिल सुलभ जी सदा आगे रहे हैं। इस सकारात्मक भारत उदय बिहार की यात्रा के दरमियान जो ये बातचीत हुई है ये आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।